कर्म थेरापी में एक विधि जो है रक्त मोक्षण है, जिसके अंतर्गत ये लीच थेरापी आती है जलौका लगाकर। जलौका जो है अशुद्ध रक्त को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कई गंभीर व्याधियां, कई गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे त्वक्शोथ एक्जिमा जिनको कहते हैं, एक्जिमा में ये काम आता है। कहीं ग्रंथि है जहाँ की ऑपरेशन करने में परेशानी के का चांस है, तो वैसे जगह पर लीच लगाने से ग्रंथि जो है वो छोटी होने लगती है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक्जिमा में भी यही स्थिति होती है, हालांकि कई सिटिंग में एक्जिमा में जलौका लगाना पड़ता है। जिसे हमारे इस मरीज को ये पांचवा सिटिंग है, जिसमें इनको काफ़ी राहत मिल गया है। जो अन्य जगह इनका ठीक नहीं हो रहा था, 2-3 साल से परेशान थी, अभी ये काफ़ी राहत महसूस कर रही हैं और सारे निशान दूर हो गए। इसी तरह से और भी कई व्याधियों में जलौका, जिसे सोरेसिस वाले मरीजों में पंचकर्म की अन्य विधियों के साथ साथ जलौका भी हम लोग लगाने का काम करते हैं, जिससे उनको काफ़ी राहत